सो दिस इज वेयर वी आर. तो अभी मैंने क्या करना है, इसलिए पहले तो है कि रिमेन इन्वेस्टेड, अपनी एक हरदम स्ट्रैटेजी रहती है ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. रिमेन इन्वेस्टेड, किसको पता था मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, रिमेन इन्वेस्टेड, लेकिन रिमेन हेज्ड ऑलवेज. डू SIP, डेली SIP करो, 250 रुपये की जमती है तो ये रिमेन हेज्ड है. अभी यहाँ पे एक डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज देखेंगे हम, एक डेरिवेटिव. इसलिए अभी क्या करना है कि एक के बाद एक इंडिकेटर्स थोड़े से तो बेयरिश ही लग रहे हैं जो स्टार्ट किया. मार्केट तो भले ही रोज ऊपर जा रहा है लेकिन फंडामेंटल बोलो चाहे टेक्निकल बोलो चाहे क्वांट बोलो चाहे जो भी बोलो, कहीं ना कहीं से ये थकावट दिख रही है. बाजार गिरने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं हम 2000. तो ऐसे इसमें एक तो है बेचो मत, आपका कुछ भी माल बेचो मत, बस हेज करो एक पुट ऑप्शन खरीद के. हम करेंगे, वी आर कमिंग टू दैट ओनली, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट. सो लेट अस से आपका स्पॉट है 12000 पे, 12050. एक स्ट्रेटेजी हम ये करेंगे कि टाइप, आपको डेरिवेटिव्स के बेसिक्स अगर चाहिए तो अपना CMM का मॉड्यूल है. आपने CMM नहीं लिया है तो CMM में डेरिवेटिव्स के सारे हैं और स्ट्रैटेजीज भी, और ये आज का मॉड्यूल भी CMM वालों के लिए ये वीडियो रहेगा. तो लेट अस से टाइप, ऑप्शन टाइप रहते हैं, ऑप्शन स्टाइल और ऑप्शन टाइप. तो ऑप्शन टाइप लेट अस से कॉल स्ट्राइक. नाउ ध्यान देंगे हम अभी 12050 पे है, एक्सपायरी कर लो इसके नीचे, पहले लिख लो एक्सपायरी. हम आ गए 26 दिसंबर, यानी कि ये करंट मंथ की एक्सपायरी. सो 26 दिसंबर 2019 कॉल ऑप्शन. स्ट्राइक कौन सा लेंगे हम, ये जो येलो रहता है ये इन द मनी रहता है, ये व्हाइट जो रहता है ये आउट ऑफ द मनी रहता है. तो आप एक पकड़ लो 12300, 12300 का लेवल, ये लगभग 70 रुपया भाव चल रहा है इसका. सो 12300 प्रीमियम क्या है इसका, 70 रुपये का प्रीमियम चल रहा है. और सेफ अगर आपको चाहिए तो 12300, ठीक है पहले ये कर लेंगे बाद में देखेंगे. 12000 पे ही तो मार्केट थक रहा है तो 12300 आने के क्या. अच्छा आपको करना क्या है, पोजीशन शॉर्ट. हम सिर्फ ऑप्शन शॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं अभी. ऑप्शन शॉर्ट यानी क्या होगा, आपको मार्जिन लगेगी. मार्जिन कितने की लगती है, एक निफ्टी लॉट के लिए 75000 की. आपने अगर डेरिवेटिव नहीं किया है कभी तो ये सब मत करो, या करना है तो 10 बार सोच समझ के करो क्या करना है. पैसा बनता है लेकिन पैसा जाता भी बहुत है, सो सोच समझ के करो. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो बाद में क्वेश्चन जरूर लेंगे, पहले सिर्फ समझ लो क्या होता है. आपको 70000 की मार्जिन लगेगी. इनकम कितना हुआ आपका, 75 का लॉट साइज है इज इक्वल टू 75 इंटू 70 रुपये इसका भाव चल रहा है, यानी आपको 5250 रुपये मिल गए. कोई भी ऑप्शन बेचा आपने तो आपको प्रीमियम रिसीव होता है, अपना CMM में पूरा डिटेल में दिया हुआ है. तो ये आप एक, आप क्यों बेच रहे हैं 12300 का कॉल ऑप्शन, आप क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि 12050 पे मार्केट है अभी और आपको लग रहा है यानी कि मार्केट में चाहे. अभी हमने जो भी इतना सारा डिस्कशन किया ऊपर का, इसमें तो यही सारी चीज़ें लग रही है कि 28 का PE पे ऑलरेडी मार्केट है तो और ऊपर जाने के चांसेस कम है इसके लिए, और कुछ नहीं. तो आप 12300 का ये बाद में, अगर आपको ये रिस्क लग रहा है तो आप 12500 भी बेच सकते हो. 12500 विल बी इवन सेफर, 12500 कर लो. चलो तो आपको 25 ही रुपये मिलेंगे सिर्फ, यहाँ पे आप देख सकते हो 12500 का भाव 23 रुपीज़ चल रहा है. सो ये 23 पर कम से कम सेफ्टी तो आ गई आपके. तो ये आप पहला ऑप्शन ये करेंगे. एक और इसी के साथ साथ हम कर लेंगे कि आप एक पुट भी शॉर्ट कर दो. पुट कौन सा शॉर्ट करेंगे, फिर से ऐसा ही कोई 20-25 रुपए वाला पुट शॉर्ट कर दो. 11450 20 रुपया, 11450 20 रुपये इसका भाव चल रहा है. अगर आप ये दोनों करते हो तो आपको टोटल 1.5 लाख की मार्जिन लगेंगी. और इसके साथ साथ एक और जस्ट हेज करने के लिए आप पुट लॉन्ग कर लो एक. कई मार्केट बहुत ही गिर गया नीचे, कई मार्केट नीचे बहुत ही गिर गया तो 11450 सो 350 या
250 11,200 का भाव 11 रुपया चल रहा है, 11,200 का भाव 11 रुपया चल रहा है। यहाँ पे मार्जिन नहीं लगेगी क्योंकि आपने लॉन्ग किया हुआ है। हमने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है, हमने ये क्यों किया, पहले तो ये समझ लो कि हमने ये क्या सर्कस कर रहे हैं हम, ये सब क्या है। जिसको डेरिवेटिव्स नहीं आता उसके लिए ये थोड़ा सा हैवी जाएगा या उसके लिए थोड़ा सा ऊपर का जाएगा, लेकिन हम ये सब इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट जितना ऊपर जाना था चले गया है, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम है, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, और इसके लिए हम हमारे देखो शेयर्स बेचने नहीं है, पोर्टफोलियो तो बनाते रहना है, SIP चालू रखो, शेयर्स अगर आप खरीद रहे हो वो कंटिन्यूस खरीदते जाओ, क्योंकि कहीं पे लिखा नहीं है कि मार्केट 12,300 से 5,000 पे आने वाला है या 8,000 पे आने वाला है, और कहीं पे ये नहीं लिखा है कि 12,300 का 13,000 नहीं जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ऑलवेज अंडरस्टैंड, ये हमने ये सारी पढ़ाई करके रखी है सो दैट वी हैव अ ब्रॉड जनरल आइडिया कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेलिंग कि शायद मार्केट में थोड़ी सी ताकत कम होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पलट नहीं सकता। क्या पता कल कुछ और अनाउंसमेंट हो जाए तो 13,000 का निफ्टी चले जाए, किसी ने इंडिया का क्रेडिट रेटिंग ही बढ़ा दिया तो। इसलिए हम दोनों साइड से तैयार रहेंगे, और इसके लिए अभी अभी अगर हमने ये किया तो इसका पे ऑफ, यानी अगर आपने ये किया तो आपको पे ऑफ चार्ट कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ये हम थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दो, मार्केट लेटेस्ट से मार्केट आपका 11,000 पे गिरता है, और 11,000 से 13,000 की रेंज पकड़ के चलते हैं। एक सेकंड लगेगा इसको सिर्फ बनाने के लिए। 11,000 से 13,000 यानी कि मार्केट 12,000 से 1,000 पॉइंट ऊपर 1,000 पॉइंट नीचे, ये रेंज पकड़ के चलते हैं। इससे ज़्यादा तो एक महीने में होने के चांसेस कम है, और हुआ भी तो भी देख लेंगे क्या करना है। सो लेटेस्ट से मार्केट अगले एक महीने में या तो 1,000 पॉइंट नीचे जाएगा या 1,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, और अगर कुछ भी होता है तो हमने जो तीन पोजीशंस लेके रखे हैं ये किस तरह से डील करेंगे ये देखेंगे। तो पहला शॉर्ट कॉल 1, शॉर्ट कॉल 2, लॉन्ग पुट 1, पहले सिर्फ इतना करके रखेंगे, और स्ट्रेटेजी पे ऑफ। अभी ये जो हम करेंगे यहाँ कैलकुलेशंस, अगेन आपने अगर नहीं किया है पहले डेरिवेटिव्स तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, पर ये समझ लो क्योंकि पैसा इसी से बनता है, और जो पैसा बनाया है वो बचाना है तो भी आप डेरिवेटिव से ही बचा सकते हो, आपको मार्केट टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो 9:15 बजे मार्केट खुला तो गैप अप खुला, तो संडे है तो गैप डाउन खुलेगा, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट क्लियर है तो। डेरिवेटिव्स को रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ करना है तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेट अस ट्राई टू सी क्या होगा। अभी ये फार्मूला मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, पर अपनी जो डेरिवेटिव्स की सीरीज़ है उसमें ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, और अगर किसी को और चाहिए इन्फॉर्मेशन तो बाद में फिर शायद, या अभी क्वेश्चन आंसर्स में इसके ऊपर हम बात कर लेंगे लगे तो, पहले सिर्फ समझ लो। एक सेकंड, तो माइनस क्योंकि शॉर्ट कॉल है, माइनस ब्रैकेट माइनस प्रीमियम राइट को जाना चाहिए, माइनस मिनिमम ये नीचे जाना चाहिए, मिनिमम ऑफ दिस एंड ये राइट को जाना चाहिए, माइनस एंड प्लस ये आपका नीचे वाला है। तो ये शॉर्ट पुट है, शॉर्ट एक कॉल शॉर्ट किया, एक पुट शॉर्ट किया, और एक पुट लॉन्ग किया। शॉर्ट पुट का कैसा आएगा, माइनस माइनस मार्केट अगर गिरता है तो शॉर्ट पुट में लॉस होगा, बराबर है, और इज इक्वल टू माइनस
मार्केट अगर गिरता है तो लॉन्ग पुट में प्रॉफिट होगा, आई होप आई एम राइट, लेट अस सी। लिमिटेड गेन लिमिटेड लॉस, आई थिंक वी आर राइट, शायद तो राइट है। पहले देखते हैं बराबर हुआ है क्या। हाँ, सो तो आपका चार्ट जो बन रहा है वो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो आपका चार्ट कुछ तो भी, हमने ऐसे रफ वैल्यूज लिए हैं इसलिए कुछ तो भी ऐसे बन रहा है चार्ट। लेकिन व्हाट दिस इज शोइंग इज कि आपको अगर मार्केट 12,500 या आपका लॉस कहाँ पे हो रहा है, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी करी दिसंबर महीने के लिए, अगर आपने ये थोड़ा सा 19-20 गलत हो सकता है कुछ, बट मोस्टली तो दिस इज़ राइट। अगर आपने 12,000 अगर आपने ये स्ट्रेटेजी करी तो 12,540 के बाद आपको लॉस होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है आपका माइनस कब आ रहा है, 12,530 पे आपका -4 आ रहा है। आज अभी हम 12,050 पे है, तो यानी कि 500 पॉइंट ऊपर तक मार्केट अगर ऊपर जाता है यहाँ से 500 पॉइंट तो आपको लॉस नहीं है। सिमिलरली अगर आप नीचे जाते हो तो 11,450 के नीचे आपको लॉस होगा, 11,450 के नीचे। दैट मीन्स अभी हम जो लेवल पे है 12,000, वहाँ से 500 पॉइंट ऊपर और 500-600 पॉइंट नीचे, यानी कि लगभग 1,000 पॉइंट की रेंज ऐसी है कि जिसमें आप सेफ रहोगे। यानी इस मंथ में अगर मार्केट 1,000 पॉइंट इधर उधर जाता है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत, 1,000 यानी कि 500 पॉइंट इधर उधर जाता है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कल ये पोजिशन ले लो, अगर भाव यही रहते हैं तो भाव चेंज होंगे ऑफकोर्स, पर अगर आप ये पोजिशन ऐसी कुछ लेते हो तो फॉर अ 1000 पॉइंट रेंज यू आर हेज्ड। अभी यहां पे एक और चीज देख लो कि माइनस दिस थिंग इनटू 75, तो आपका टोटल आपने कितना पैसा आपको मिला है, टोटल आपने 2400 रुपए कमाए, ये 1700 कमाया, 1500 कमाया और 825 आपने दे दिए, यानी देने के बाद भी आपने टोटल 2400 कमाए। कितने पे आपका इन्वेस्टमेंट या आपका मार्जिन है 1.5 लाख का, दैट मीन्स आपका एक महीने में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, लगभग 2%, 1.5%, लगभग 1.5% आपने, ये हमने बहुत सेफ लिए हैं इसके लिए। अगर हम इसको थोड़ा सा रिस्की और लेंगे तो ये आपका परसेंट बढ़ भी सकता है, वी विल डू दैट, पर पहले सिर्फ समझ लो। अब जैसे कि मान के चलिए कि 12,500 थोड़ा दूर का लग रहा है, 12,300 ढंग का लग रहा है, तो 12,300 या 12,350 54 रुपया चल रहा है, सो लेट अस राइट डाउन 12,350 और इसको 50 रुपये कर देंगे। तो आप देख सकते हो थोड़े से वो ग्राफ्स चेंज होने वाले हैं। पुट भी आप बोलते हो कि 11,650 पकड़ लो 40 रुपये पे, 11,650 पकड़ लो आप 40 रुपये पे, और आप लॉन्ग कर लो, यानी कि आपने कमाए कितने 50 और 40, 90 पॉइंट आपने कमा लिए ऑलरेडी, तो 90 पॉइंट कमा लिए, उसमें से अगर आपने 30 पॉइंट पे 11,500 का लॉन्ग कर लो, यहाँ पे 11,500 का लॉन्ग कर लो 30 पे, 11,500 का लॉन्ग कर लो 30 पे, तो ये आपका पे ऑफ चार्ट ऐसा बनेगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पे ऑफ चार्ट बन रहा है कि जिसमें अगर मार्केट 12,000, ये क्या लेवल आई है, 12,400, यानी ठीक है 12,400 के ऊपर जाता है तो आपको लॉस है, यानी आपको लॉस कब कब होगा ये स्ट्रेटेजी में, ये वाले अगर ऐसा की और कल यही भाव रहे तो अबव 12,400 लॉस। फिर देख लो आप अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है,
तो पे ऑफ 11,690 यानी 11,700 पकड़ लो, यानी बिलो, सॉरी 11,700 आपको लॉस है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर बहुत ज्यादा मार्केट गिरता है तो आपका लॉन्ग पुट आपको बचा लेगा, आपका लॉन्ग पुट आपको बचा लेगा। और ये क्या लेवल है आपकी, लगभग 11,200 के आसपास, तो बिलो 11,200 यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट अनलिमिटेड, यू स्टार्ट मेकिंग अनलिमिटेड प्रॉफिट। व्हाट हैव वी डन हियर, वी हैव सेड कि मार्केट अभी इतना मंदी में चल रहा है, आपको कितने पैसे चाहिए, केवल 1,50,000 रुपए। अगर आपके पास केवल 1,50,000 रुपए तो आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो। और देख लो यहाँ पे आपका जो क्या हो गया, स्क्रॉल लॉक बंद, क्या क्या, तो यहाँ पे आपका जो गेन आ रहा है मंथली गेन, ये लगभग 3% के आसपास आ रहा है। सो देर आर वाई वी हैव डन दिस, क्योंकि मार्केट 12,050 के ऊपर जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। ये हमने जो इतनी पूरी ऊपर की कहानी पढ़ी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आरबीआई, रेपो, फॉरेक्स रिजर्व्स वगैरह, वो सारे, ए पी रेशियो, सबसे बड़ा तो अपना ये पी रेशियो, 28 का पी रेशियो चल रहा है, आर यू किडिंग मी, 12,050 पे ही 28 का आएगा, 12,500, 12,600, 12,700 जाएगा, हाईली अनलाइकली, जाने के तो चांसेस 6,000 के। और सबसे बड़ी बात 5,500 यानी कि 6,000 निफ्टी नो वन इज एक्सपेक्टिंग, एंड बिकॉज नो वन इज एक्सपेक्टिंग, मार्केट क्या जो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे, नो वन इज एक्सपेक्टिंग, एंड बिकॉज मार्केट डजंट मूव ऑन कंसेंसस, मार्केट डजंट मूव ऑन कंसेंसस। आज किसी को भी बात करो 6,000, वो बोलेगा कुछ भी, आपको समझता तो भी है क्या, लेकिन दिख रहा है यार 28 पे पी है, ये है बिग शॉर्ट मूवी, देखो बिग शॉर्ट, बिग शॉर्ट इज अ ग्रेट मूवी अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, डॉक्टर बरी। जब सब लोग लॉन्ग 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 कर रहे थे तो किसी को तो भी तो बेचना पड़ेगा, इसने बेचा, जम के बेचा इसने, यूएस सबप्राइम को शॉर्ट किया। आप में अगर है ताकत तो आप भी शॉर्ट करो, या शॉर्ट नहीं करना है तो कम से कम पुट लॉन्ग करके बैठ जाओ। पुट लॉन्ग करने के लिए ये 30 रुपए का पुट खरीदना है, पैसा कहाँ से आएगा, ये वाला कॉल बेचो, इसी में से पैसा निकालो, ऊपर से ये करो, समथिंग लाइक दैट, दिस इज अ शॉर्ट स्ट्रैंगल। ये शॉर्ट स्ट्रैंगल हो गया, ये शॉर्ट स्ट्रैंगल को आप लॉन्ग पुट से हेज कर रहे हो। आपको और एक अगर करना है तो आप एक कॉल लॉन्ग भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो कि जिसमें आपको मार्केट किधर भी जाए यू रिमेन इन प्रॉफिट, यू रिमेन आउट ऑफ लॉस कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, यू रिमेन आउट ऑफ लॉस। मार्केट को जाने दो 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे, ये है ना अभी के अभी तो हमने करके दिखाया, व्हाई टॉक इन थियरी, ये दिस इज रियल लाइव डेटा। बस इसमें एक ही है, कल अगर आप ये ऐसे के ऐसे करने जाओगे तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि ये प्राइजेस सेम नहीं रहेंगे, या तो स्पॉट अलग रहेगा, या तो एक दिन कम हो गया रहेगा, या तो लिक्विडिटी का इशू रहेगा। इसलिए वी आर डूइंग, क्योंकि अपने को कोई एडवाइस नहीं देना है, पर आप लोगों ने इस तरह से पढ़ना चाहिए, दिस इज व्हाट, या यू कैन, आई मीन यार 3% पर मंथ इफ यू आर एबल टू जनरेट इवन ऑन अ स्मॉल पोर्टफोलियो ऑफ 1.5 लाख, 1.5 लाख पे 3% कमाना यार हर महीने, 1,50,000, 3% ओवर अ पीरियड ऑफ कितना, 5 साल पकड़ लो, इज इक्वल टू 12 × 5, 60 महीने हो गया, तो कितना होगा ये 3% ओवर अ पीरियड ऑफ 60 मंथ्स, 5 साल में आपके 1.5 लाख की कितनी हो गई, 8,80,000, 1.5 लाख का 8 लाख आपका तो ऐसे ही हो रहा है, 5 हर महीने 3-3% बढ़ा रहे हो, तो इसको आप 10 साल कर दो, इज इक्वल टू 12 × 10, तो ये तो कितना बड़ा फिक कर लेना है जो। कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज 52 लाख नहीं, 5 करोड़, 20 लाख नहीं, जो भी है 6,000, जो भी है देख लो, 52 लाख, 6,000, 1.5 लाख का 52 लाख 10 साल में, समथिंग लाइक दैट। आई मीन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कहने का मतलब ये है,
कहने का मतलब ये है कि भले ही मार्केट रोज ऊपर जा रहा है, भले ही मार्केट रोज ऊपर जा रहा है, कहीं तो भी देयर इज अ कहीं तो भी कुछ तो भी चिंता करने का विषय है। 12,100 या 12,050 पे मार्केट कोई बहुत सस्ता नहीं है, आपकी इकोनॉमी कोई बहुत रारा नहीं कर रही है। तो हाँ, 5 ट्रिलियन, मैं अभी भी 5 ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ, 4 साल में, 5 साल में। और इसीलिए बोलना ये है कि जमता है तो लॉन्ग रहो, स्टे इन्वेस्टेड, रिमेन। ये पेसिमिज्म वगैरह ये सब जो है, ये दिस विल गो अवे, ये जाने वाला है। और जब जाएगा तब आप बोलोगे कि अरे हमें कैसा करना है, क्या खरीदना है, कैसा, तो वो सब मत करो। अभी से रिमेन इन्वेस्टेड, रिमेन हेज। मार्केट अगर, और सही में अगर ऐसा होता है, बिलीव मी, अगर ये वाला सिनारियो प्ले आउट होता है तो हम फिर से एक बार लाइव करेंगे। अगर ये सिनारियो प्ले आउट होता है और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग पुट हो, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग पुट हो तो आप तो कितना पैसा कमाओगे। आप पुट लॉन्ग कौन सा कर रहे हो, मान के चलो आप 11,500 का पुट लॉन्ग कर रहे हो और बाजार कहाँ पे गया, 5,500 पे, यानी कि आप कितने पॉइंट्स की बात कर रहे हो, 11,500 माइनस 5,500, यानी कि आप 6,000 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, x75। आपका एक ट्रेड आपको इतना सारा पैसा देके जाएगा, 4,500,000। अगर मार्केट नीचे जाता है तो सब लोग रोते रहेंगे और आप यहाँ पे 4,500,000 रुपए के प्रॉफिट पे बैठे रहेंगे। और ये 4,500,000 का प्रॉफिट के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, केवल 30 रुपए की। ये आपका यहाँ पे हेज कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आएगा आपको, बट जो भी है यू विल बी मेकिंग अ लॉट। ये तो आपका यहाँ पे 150 का लॉस फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला। 500 रुपये ये आए और 150, 650, यानी कि 150 पॉइंट का लॉस है, तो भी आप 5,900 में से अगर 150 पॉइंट भी निकाल लेते हो तो भी आपको इतने का तो प्रॉफिट है। ये तो 4,500,000 का प्रॉफिट नहीं होगा, 4,00,000 का प्रॉफिट होगा, चलता है ना, 4,30। जो भी है, कहने का मतलब ये है कि मार्केट रोज रोज ऊपर जा रहा है, उसके लिए बहुत यूफोरिक होने का आवश्यकता नहीं है। शायद हम टॉप के पास है, पी रेशियो, डेटा, फंडामेंटल, टेक्निकल सब कुछ बता रहा है, पर कोई देखने को तैयार नहीं है शायद। तो आपको क्या करना है, शांति से पुट लॉन्ग करके बैठना है और एक शॉर्ट ट्रायंगल भी करके बैठ जाओ, एंड देन जस्ट वेट। यहाँ पे ऐसा होता है, आपको पता है कि 12,400 तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे 11,700 तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बहुत नीचे गया तो आपको तो एकदम प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो ये अपना पे ऑफ बनता है। सो दैट्स वेयर वी आर। 1 घंटा हो गया अपना, अब आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर पूछो, देन वी विल डू दैट क्वेश्चन एंड आंसर्स। अभी तक CMM नहीं किया है तो CMM रजिस्टर कर लो।